आज हम लोग नया जो है रसायन जो हम लोग का क्लास 12 का है उसमें एक नया अध्याय स्टार्ट करें जिसका नाम है विलयन। तो विलयन मतलब सॉल्यूशन। तो हम लोग जो कि दैनिक जीवन में अधिकांश जो चीज़ देखते हैं वह विलयन के रूप में ही रहता है, दो या दो से अधिक चीज़ का मिश्रण होता है वह, जैसे कि पीतल है, कांसा है, ये सभी मिश्र धातु हैं। तो मतलब धातुओं का उसमें क्या है, ठोस का ठोस में एक विलयन है, ऐसा कर सकते हैं आप, ठोस का ठोस में विलयन है। जैसे कि अक्सर हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी भी जो है अगर हम लोग सिंपल पी रहे हैं तो उसमें भी तो बहुत से लवण घुले हुए हैं, तो वह भी एक प्रकार का सिंपल विलयन ही है। और उसमें अगर चीनी डाल दिए या नमक का घोल बनाए तो वो सब भी एक विलयन ही है। जैसे कि गैस है तुम्हारा, गैस जो तो हवा है जिसको कह रहे हैं हम लोग, तो हवा में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत से चीज़ हैं, तो वह भी एक विलयन है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो विलयन हम लोग का दैनिक जीवन में हर जगह क्या आता है, विलयन से हम लोग को भेंट होती है। तो विलयन की परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे कि मतलब इसमें और विलय क्या हुआ, सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं, जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं, जो अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित रहते हैं, विलयन में उपस्थित रहते हैं, विलयन में उपस्थित रहते हैं, उसे विलायक सॉल्वेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉल्वेंट, तथा अन्य अवयव जो कम मात्रा में रहते हैं, जो कम मात्रा में रहते हैं, विलेय सॉल्यूट कहलाते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये तुम्हारा हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, से क्या बन जाता है, विलेय और विलायक मिल करके क्या बना लेगा, एक विलयन बनाएगा। विलेय प्लस विलायक से बन जाएगा विलयन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बन गया सॉल्यूशन। ये दोनों मिलके इज इक्वल टू सॉल्यूशन, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं इसको, विलयन। विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा जो है तुमको विलेय और विलायक के मिलने से क्या बन गया, विलयन बन जाता है। तो जो मात्रा कम मात्रा में रहेगा वो हो गया विलेय, और जो अधिक मात्रा में रहेगा वो हो गया विलायक, और दोनों के मिलने से क्या बन गया, एक विलयन का निर्माण हो गया। तो अब जब विलयन में जहां तक है, विलयन में तुमको विलयन जैसे कि हो सकता है तुमको कितना प्रकार का विलयन, जैसे कि हो सकता है जिसमें कि विलायक के रूप में ठोस रहे तो उसे ठोस विलयन कहेंगे, और अन्य जो है तुमको जो दूसरे जो कि विलेय पदार्थ हैं वो किसी भी प्रावस्था में हो सकते हैं, मतलब ठोस में भी हो सकते हैं, द्रव में भी, गैस में भी। तो इस प्रकार से विलयन तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। जब तुमको क्या रहेगा, जब विलायक जिस आधार पर रहेगा उसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, विलयन को हम लोग विलयन को तीन भाग में बांट सकते हैं, मतलब विलायक की प्रावस्था के आधार पर विलयन को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। ठोस विलयन जिसमें कि विलायक क्या हो, ठोस हो, और बाकी जो है विलेय जो है तुमको जो कम मात्रा में है वह ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ठोस विलयन हो गया, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो
तो तीन तरह का हो गया, जिसका कि तुम्हारे किताब में लिस्ट भी दिया हुआ है, उसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो उदाहरण आप सोच भी सकते हैं, जैसे कि ठोस का ठोस में विलयन, जैसे मैंने पीतल कहा तो पीतल जो ब्रास जिसको कहते हैं, कॉपर और तुमको क्या बन गया इसका, ब्रास मतलब हो गया पीतल, पीतल का कॉपर और तुमको जेडन, और टीम जैसे कांसा होता है CuSn, कॉपर और जिंक का बनता है। उसी तरह से जर्मन सिल्वर है, उसमें निकिल वगैरह में, जैसे स्टील भी तो हम लोग जो देखते हैं स्टेनलेस स्टील, उसमें भी क्या रहता है तुमको, निकेल रहता है, क्रोमियम रहता है, इस सबसे उसकी चमक आती है। तो स्टेनलेस स्टील में तुमको लोहा तो रहता ही है मुख्य, अभी अब उसके अलावा जो तुमको कार्बन स्टील में रहता है, निकेल क्रोमियम, इन सबको मिला करके क्या बना जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, एक बिलियन के ही उदाहरण है। दूसरे से बात, जैसे हवा है, हवा भी एक बिलियन है, जिसमें कि गैस में गैस है, तो उनको वह गैस, उसमें गैस जैसे नाइट्रोजन गैस की सबसे अधिक मात्रा है, तो वह विलायक हो गया। ऑक्सीजन, बाकी जलवाष्प, ये सब उसमें क्या है, विलेय के रूप में है। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुमको, तो विलायक की प्रावस्था के आधार पर लिख सकते हैं हम लोग, विलायक की प्रावस्था के आधार पर, आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। नंबर पहला ठोस विलयन, ठोस विलयन, जब विलायक ठोस, जब विलायक ठोस प्रावस्था में, जब विलायक ठोस प्रावस्था में, प्रावस्था में तथा विलेय ठोस द्रव या गैस, ठोस द्रव या गैस किसी भी प्रावस्था में हो सक हो, किसी भी प्रावस्था में हो, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे हो गया तुमको, ठोस का ठोस में हो गया, जैसे पीतल हो गया, पीतल ब्रास जिसको कहते हैं, इसमें कॉपर और जेडन, इसका तुमको ये मिश्रण हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ठोस विलयन हो गया। ये कैसा हो गया, ठोस में ठोस। अब जैसे कि ठोस में तुमको गैस डालते हैं, ठोस विलयन है। अब जैसे कि पीडी में H2 मतलब कि ये तुम्हारा हो गया H2 गैस पीडी धातु में। तो पीडी में रहेगा तो ये क्या होगा, गैस, ये गैस हो गया, ये विलेय हो गया गैस, और ये तुम्हारा ठोस हो गया, गैस मतलब कि विलयन में हो गया। जैसे कि आप देते हैं, कहते हैं मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिला दें, तो मिट्टी में थोड़ा सा जेल जो बन जाता है, जेल जैसे, तो या पेस्ट है तुम्हारा, तो पेस्ट क्या हुआ, उसमें कम मात्रा में द्रव रहता है, तो पेस्ट जिसको कहते हैं, जो जेल है, पेस्ट है, जेल पेस्ट, ये सब क्या हो गया, ये सब भी ठोस विलयन का उदाहरण हुआ, इसमें इत्यादि, ये सब भी ठोस विलयन। एक तुमको गैस का दे दिया, जैसे तुमको एक ठोस में, एक द्रव में, एक गैस में। उसी तरह से दूसरा नंबर हो सकता है तुम्हारा द्रव विलयन। तो द्रव विलयन तो हम लोग को ज़्यादा फेमस है ही, जिसमें कि विलायक क्या होगा, विलायक द्रव होना चाहिए, विलायक द्रव होगा। तो इसका जैसे उदाहरण हो गया, जैसे तुमको जल में ग्लूकोज, ये ठोस तुमने दे दिया ग्लूकोज, जल में तुमको अल्कोहल, जैसे ठोस में द्रव हो गया तुमको, जल में क्या हो जाएगा, अल्कोहल, जल में अल्कोहल कॉमा, जल में जैसे जल में तीसरा हो सकता है, जल में O2 गैस इत्यादि। तो ये सब क्या होगा तुम्हारा, ये उसका उदाहरण हो गया द्रव विलयन का। तीसरा हो जाएगा तुमको गैस विलयन, गैस विलयन। तो गैस हो गया तुमको
गैस विलायक होगा। इसमें उदाहरण है तुमको, जैसे हवा, इसमें ये गैस का मिश्रण है, गैस में गैस, हवा में जैसे धूल कण, हवा में धूल कण नाइट्रोजन में, तो ये सॉलिड हो गया इसमें, और हवा में जल, ये सब क्या हो गए तुमको, तीनों तरह के उदाहरण हो गए। तो ये सब तुमको क्या हो गए, बिलियन के प्रकार हो गए एक तरह से। अब बिलियन में कितना मात्रा में बिलय है इसको जानने के लिए हम लोग उसके बिलय की कितना, जैसे बिलय का एक सामान्य शब्द यूज किया जाता है तनु है, तनु को कम हम लोग डाइल्यूट भी कहते हैं इंग्लिश में, तनु का मतलब है जब बिलय की मात्रा कम होती है तो उसे तनु बिलियन कहते हैं, और जब बिलय की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे सांद्र बिलियन कहेंगे। बिलय की मात्रा जिस बिलियन में कम होती है उसे हम लोग तनु बिलियन कहते हैं, और बिलय की मात्रा अधिक रहने पर उसे सांद्र बिलियन। लेकिन उसकी जो है एग्जैक्ट मात्रा जानने के लिए उसका कितना, उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, तो यह प्रतिशत तुमको द्रव्यमान का द्रव्यमान से प्रतिशत हो सकता है, द्रव्यमान का आयतन से प्रतिशत, आयतन का आयतन से प्रतिशत, तीन तरह से हो सकता है। तीन सब को हम लोग बिलियन का सांद्रण व्यक्त करना कहते हैं। किसी बिलियन में क्या हो गया तुम्हारा, बिलियन में अगर हम लोग जब कोई बिलियन बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जब बिलय को हम लोग उसमें डालते हैं तो बिलय की मात्रा के आधार पर बिलियन को हम लोग, बिलियन का कितना मात्रा में बिलय आपने डाला इसको बताना, उसको बिलियन का क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो बिलियन को सांद्रण को व्यक्त करने के बहुत से मात्रक हैं, जैसा कि अभी हम लोग सात मात्रक बताएंगे, सात रूप में इसको व्यक्त करने का तरीका सब व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत तो तीन तो प्रतिशत के रूप में ही होगा, तीन प्रतिशत के रूप में है। उसके बाद आता है तुमको जो क्लास 11 में ही पढ़ोगे मूल अंश आता है, उसके बाद तुमको आता है, फिर तुमको मूल अंश के बाद है तुम्हारा क्या कहते हैं मोलरता, मोलगता। तो ये सब तुम्हारे क्या है, प्रतिशत के रूप में सांद्रण, और उसके बाद फिर तुमको तो बिलियन का सांद्रण लिखते हैं हम लोग, बिलियन का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिलय की मात्रा व्यक्त करने के लिए बिलियन का सांद्रण बताया जाता है। इसका बहुत सा इकाई है, जैसे पहला नंबर लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। बिलय की मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुला हो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। उदाहरण 20% ग्लूकोज का बिलियन के बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज 80 ग्राम जल में घुला है। और तो बिलियन हो गया, देखो 20 प्लस 80, 100 ग्राम बिलियन हुआ, लेकिन जल 80 ग्राम ही है, ये ध्यान रहे।
तो बिलियन 100 ग्राम होता है, ना कि जेल नहीं होता, जेल और ग्लूकोज दोनों मिल के 100 ग्राम होना चाहिए। तो ये तुमको प्रतिशत में व्यक्त करना, तो ये सामान्य एक एक नियम से तुम इस सबका प्रतिशत वगैरह में निकाल सकते हो। अब तुमको जैसे कि कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं कि जल में अगर तुमको ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे बीस ग्राम जल में अगर 20 ग्राम जल में 1 ग्राम इथेनॉल घुला है इस बिलियन का प्रतिशत सांद्रण ज्ञात करें, इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रण ज्ञात करें। तो देखो इसका जो आंसर होगा तुमको, 20 ग्राम जल में, तो 20 ग्राम जल में तुम्हारा क्या है, 19 ग्राम जल में कर दीजिए इसको। तो चलिए 19 ग्राम जल में क्या है तुमको, 1 ग्राम इथेनॉल घुला है। तो बिलियन का द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान बराबर 19 जोड़ 1 बराबर 20 ग्राम। तो 20 ग्राम यहां पर जल है, 20 ग्राम जल में तुमको कौन है, 1 ग्राम इथेनॉल है। तो जल का बिलियन कितना हो गया, 19 ग्राम जल में 1 ग्राम इथेनॉल है, तो 20 ग्राम हो गया। तो अब चूंकि क्या हो गया तुमको, 20 ग्राम बिलियन में 1 ग्राम इथेनॉल है, इसलिए 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/20 गुना 100 बराबर 5%। ये 5% बिलियन हो गया, चूंकि तुमको 20 ग्राम में 1 ग्राम, तो 100 ग्राम में 5 ग्राम, तो 5% 100 ग्राम व्यक्त करें तो ये प्रतिशत हो गया, तो इसका सांद्रण 5% हो गया। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो हो सकता है तुमको, आयतन प्रतिशत, दूसरा जो सांद्रण व्यक्त करने का क्या हो सकता है आयतन के रूप में, तो उसमें क्या करेंगे, आयतन का जैसे 100 मिलीलीटर आयतन में, 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में जितना मिलीलीटर बिले घुला होगा वह उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 100 मिलीलीटर लीजिए, 100 लीटर लीजिएगा तो उसको भी लीटर में लेना पड़ेगा, तो वो आयतन प्रतिशत हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। उसमें बिलियन का जब आयतन आता है तो बिले का आयतन जोड़ेंगे और साथ साथ विलायक का आयतन, दोनों को जोड़ करके बिलियन का आयतन प्राप्त होगा हमको। तो दूसरा तुमको है, दूसरा मात्रक, पहला मात्रक हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है तुमको आयतन प्रतिशत के रूप में, दूसरा हो गया तुमको आयतन प्रतिशत। एक सौ एम एल बिलियन में, 100 ml बिलियन में 100 ml बिले का जो आयतन घुला रहता है, बिले का जो आयतन घुला रहता है उसे बिलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। उदाहरण, एक सौ एम एल बिलियन में 5 ml अल्कोहल घुला है तो इस बिलियन का आयतन प्रतिशत 5 है, इस बिलियन का, तो यह बिलियन 5% आयतन, मतलब भी कहते हैं इसको,
सांद्रण है इसका, इसका सांद्रण ही 5% है, तो ये तुम्हारा हो गया आयतन में। तीसरा हो सकता है तुमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W by V कहते हैं इसको। 100 ml बिलियन में बिले का घुला हुआ बिले का ग्राम में घुला हुआ द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या हो जाएगा तुमको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 105% डब्ल्यू बाई वी बिलियन का अर्थ है कि 100 ml बिलियन में 5 ग्राम बिले है, 5 ग्राम बिले है। तो ये होगा तुमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आता है जो कि मोल के रूप में व्यक्त करते हैं। मोल जो हम लोग जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अनुभार या परमाणु भार, मोल बराबर होता है मोल का संख्या। तो किसी अब जो व्यक्त करने का जो चौथा पहले इसने एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, पहले चौथा ppm, उसके बाद आते हैं मोल अंश वगैरह में। ppm पार्ट पर मिलियन, ppm में, ppm इसका हिंदी हो गया इंग्लिश में पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10^6, 10 लाख। मिलियन का मतलब 10 लाख, 10^6। तो जैसे जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो प्रतिशत के रूप में उसका मान बहुत कम आता है, तो उसको 10 लाख में व्यक्त करते हैं हम लोग, मिलियन में। तो उसको 10 लाख में मतलब व्यक्त, जैसे 100 ग्राम में यहां व्यक्त करते हैं, वहां 10^6 ग्राम में करेंगे या 10^6 ml में, तो उसका 10^6 पार्ट में। जब विलेय की मात्रा काफी कम होती है तो प्रतिशत के बजाय ppm में व्यक्त किया जाता है, ppm में व्यक्त किया जाता है। ppm का मतलब है 10^6, अर्थात 10^6 भाग बिलियन में जितना भाग विलेय का घुला होता है बिलियन में, मतलब घुला होता है, उसे ppm में बिलियन का सांद्रण कहते हैं। ppm में बिलियन का सांद्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 ppm फ्लोराइड बिलियन का अर्थ है कि 10^6 ग्राम जल में 1 ग्राम फ्लोराइड है। और 1 ग्राम फ्लोराइड तुमको है जो कि हेल्थ के लिए, मतलब क्या होता है, दांत के झड़ने के से बचाने के लिए आवश्यक होता है, और 1.5 ग्राम के बाद उसमें पीलापन पड़ने लगेगा दांत में। तो ये तुमको ये फ्लोराइड का मतलब जैसे सांद्रण हो गया ppm, ये बहुत कम मात्रा है तो उसको ppm में व्यक्त करेंगे। और तुमको ये हो गया तुमको तो पार्ट पर मिलियन, मतलब किसी को क्या चीज़ में अगर ppm में दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत व्यक्त के लिए 100 का निकाल दीजिए,
मतलब 10 पावर 6 ग्राम में 5 ग्राम या 1 ग्राम, तो 1 में कितना, 100 में कितना, या 100 में प्रतिशत में दिया हुआ है तो उसको 10 पावर 2 में इतना, 100 में इतना, तो 10 पावर 6 में कितना ppm निकल जाएगा एक एक नियम से। तो ये तुम्हारा हो गया इसका तुमको। अब है इसके बाद होगा तुमको मोल अंश आता है, मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, मोल के रूप में व्यक्त करने का इकाई है जिसको हम लोग मोल अंश, मोलरता और मोललता, तीन तरह से मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही अक्सर प्रयोग होता है, प्रतिशत भी है लेकिन मोलरता के मोल के रूप में भी व्यक्त करते हैं हम लोग, विलेय का द्रव्यमान के बजाय उसका मोल के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो मोल अंश तुमने पढ़ा भी होगा क्लास 11 में, जैसे कि विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल विलेय और विलायक के मोलों की संख्या से भाग दे देंगे तो वह उसका मोल अंश बन जाता है, उसका बन जाएगा मोल अंश बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, चलिए तो इसको लिखते हैं मोल अंश, चौथा नंबर है तुमको मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। विलेय के मोल विलेय के मोलों की संख्या में विलेय के मोलों की संख्या में बिलियन के कुल मोलों की संख्या से भाग करने पर विलेय का मोल अंश प्राप्त होता है, विलेय का मोल अंश प्राप्त होता है यदि विलेय ए विलायक बी में घुले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही पार्ट है इसमें, घुले हैं तो विलेय का मोल अंश एक्स ए बराबर एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, एन ए हो गया, एन बी हो गया तुमको विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, एन ए हो गया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये हो गया एन एक्स, एक्स ए एक्स बी। अब हो गया विलायक का मोल अंश, एक्स बी क्या हो जाएगा, विलायक का मोल अंश, इसका सिंबल क्या हो गया, एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा तुम्हें, एन ए प्लस एन बी, इसमें एन बी मतलब विलायक का मोल ऊपर होगा बटे टोटल मोल। अब इसमें एक और भी देख सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो गया, इसको जोड़ के देखते हैं, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी जोड़ एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, तो ये कितना हो गया, ये कट के वन हो गया, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन। तो मोल अंश का जोड़ जो होगा कभी भी एक के बराबर होता है, मोल अंश का जोड़ एक के बराबर होगा विलेय और विलायक, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर एक से अधिक विलायक है तो सभी विलायक का मोल अंश जुड़ेगा तो एक होगा। और मोल निकालने का क्या तरीका होता है, द्रव्यमान बटे अनुभार। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे किताब में है जिसको कि देते हैं 2.1 करके है तुम्हारा, 2.1 जो तुम्हारा हुआ जिसमें एनसीईआरटी का,
20 प्रतिशत तुमको है, 20% तुमको दिया हुआ है इथेनॉल का मिश्रण है, बिलियन है, 20% इथेनॉल का बिलियन, तो उसमें हो गया कि 80 ग्राम जल में, तो इसमें क्वेश्चन है कि 20% इथेनॉल का जो बिलियन है उसमें उसका मोल अंश बताना है, दोनों का, जल का और इथेनॉल का मोल अंश बताना है। तो 20% 20 ग्राम तुमको क्या हो गया, इथेनॉल का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम, इथेनॉल का, इथेनॉल C2H5OH का अनुभार बराबर क्या हो गया 12 × 2 C2H5OH, तो 24 × 5 = 29 और 29 और तुमको 46 हो गया तुम्हारा ये, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा हो गया 46। अब है इथेनॉल का, तो 20 ग्राम इथेनॉल है, 20/46 हो गया इसका, तो 20 ग्राम तो 80 ग्राम जल है, तो Na कितना हो गया, Na इसको लिखते हैं द्रव्यमान 20 ग्राम दिया हुआ है बटे 46 हो गया, 20/46 हो गया इसका, और 20/46 और उसका क्या हो जाएगा Nb क्या हो जाएगा, जल का, जल का अनुभार, जल का, जल H2O का अनुभार बराबर 1 × 2 = 16 = 18। अब है Nb आ गया तुम्हारा, तो Nb बराबर क्या गया, 80 ग्राम है तुमको, 100 ग्राम बिलियन था, तो 80 ग्राम ये होगा 80/18, तो 80/18 हो गया इसका, तो 80/18 और इसका हो गया 20/46। 80/18 का मतलब हो गया ये तुमको 4 से ज़्यादा ही हो गया, 4 का 18 40/9 भी है ये, 40/9 तो 4.44 यही सब कुछ हुआ, और उसका हो गया 20/ जो कि होगा 20/46 तो 10/43 तो 0.2 और वो हो गया 0.2 और उधर हो गया 20/46 हुआ ना, तो 0.44 और उधर हो गया तुमको 4.44 हाँ ये हो गया 4.44 वो हो गया 0.44। तो इसमें देख लेते हैं, तो अब इसका निकालते हैं, तो XB अगर निकालना चाहें, XB निकालना है तो मैंने XB ही निकाल दीजिए, जल का मोल अंश, तो जल का मोल अंश, जल का मोल अंश XB बराबर क्या आ जाएगा Nb/Na+Nb, तो दैट्स इक्वल्स टू 80/18 / 20/46 + 80/18 तो 20/46 10/23 0.4 उसके बाद 8 आ गया, तो 0.43 और ये करीब करीब हो गया, इसमें प्लस करेंगे 0.3 तो 4.8, तो ये जो जल का जो हो जाता है ये करीब करीब 0.932 ये आ जाएगा XB। और XA निकालना, चूंकि XA + XB = 1 होता है, तो XA बराबर 1 − 0.932 तो 0.068 हो गया इसका मोल अंश आ गया, तो ये तुम्हारा निकल गया, दोनों का मोल अंश निकल गया, तो ये तुम्हारा NCERT एग्जाम्पल 2.1 था तुम्हारा। तो क्या करना था, इसमें 20% इथेनॉल के बिलियन का क्या निकालना था, उसमें मोल अंश दोनों अवयव का निकालना था, इथेनॉल का और जल का। तो 20 ग्राम अगर इथेनॉल का 20% बिलियन है, तो 20 ग्राम इथेनॉल है तो 100 ग्राम बिलियन में है, तो 100 ग्राम बिलियन बना, तो 80 ग्राम जल है, तो इथेनॉल का अनुभार हमने निकाला दैट इज 46 आया। उसके बाद तुमको फिर क्या आ गया तुम्हारा, फिर इसका निकाल दिए, और एक्चुअली में था इसमें इथिलीन ग्लाइकोल था तुम्हारा, ओके तुम्हारा क्वेश्चन ये तो खैर बन गया तुम्हारा, तो ये जो तुम्हारा आएगा, ये जो मान आएगा यहाँ पे तुमको 0.932 जो आएगा, इथिलीन ग्लाइकोल का दिया होता 20% बिलियन, इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है C2
C2H6O2 ऐसा करके होता है, 62 आ जाएगा उसका अनुभार। तो ये तुम्हारा खैर ठीक है, इसी पर आधारित है, ऐसा कैलकुलेशन भी देख लोगे। ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये तुम्हारा 0.9 वगैरह आ जाएगा तुम्हारा इथिलीन का। ये तुम्हारा थोड़ा सा एग्जांपल में तुमको क्या बोले कि यहाँ पर जो दिया हुआ तुम्हारी किताब में इथेनॉल का नहीं दे करके इथेन ग्लाइकोल का दिया हुआ है, तो उसमें डाटा तुमको थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन जो तरीका है बनाने का वो सेम ही रहेगा। तो उसको तुम अपने अनुसार से देख लोगे। इनसेट उदाहरण जो 2.1 मैंने कहा, तो उसमें जो बिले का नाम है वो अलग है, मुझे अभी ध्यान आया, तो बिले का नाम अलग है, तो उसका जो अनुभार है वो भी अलग आ जाएगा, और उसको जो है अपना कैलकुलेशन कर लोगे। मैंने इथेनॉल पर कर दिया और तुम जो है ग्लाइकोल के आधार पर कैलकुलेशन अपना कर लोगे। और जहाँ तक मोल फ्रैक्शन की बात है, जो भाग देकर के आएगा, तो वो तुम्हारा डाटा था एनसीईआरटी बुक का ही, तो वो उसमें भी थोड़ा सा गलती होगा, उसको भी सुधार लोगे। तो देख लोगे उदाहरण तुम्हारा किताब था, ये इसमें भी अपना इसको भी बना सकते हो, तो मूल अंश तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुमको, तो उसमें देख लोगे विलेय का तुमको जो नाम बदला हुआ है बुक में, तो उसके आधार पर तुम अपना करेक्शन कर लोगे। तो अब तीसरा जो कि चौथा हो गया तुम्हारा मूल अंश, तो मूल अंश का जोड़ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब है तुमको मोलरता, जो काफी फेमस है, मोलरिटी 6 ये तुमको आ रहा है, मोलरता, मोलेरिटी, मोलेरिटी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या 1 बिलियन की मोलरता कहलाती है, 1 बिलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा लीटर में। तो ये तुमको हो जाएगा मोलरता का लाएगा। इसका सिंबल क्या था, मोलरता का कैपिटल एम होता है। और जहाँ तक कि मोल लिखते हैं, विलेय का मोल का जहाँ तक बात है, विलेय के मोल की संख्या निकालने का तरीका, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, मतलब अनुभार हो सकता है, अगर अणु है तो अनुभार, परमाणु है तो परमाणु भार, लेकिन ग्राम में दोगे तो ये तुमका मोल निकल जाएगा तुम्हारा। तो विलेय का मोल को निकाल सकते हो, विलेय का मोल निकाल के इसमें क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे। तो जैसे तुमको दिया हुआ है, तुमको किताब में है तुम्हारा एक दिया हुआ तुम्हारा 5% NaOH का बिलियन जो है, तुमको 5% NaOH का बिलियन 450 ml एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.2 है, तो एनसीईआरटी 2.1 आई थिंक उसमें ठीक कर लेगा, अपना अनुसार से बना लेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या है, 2.2 एग्जाम्पल का उदाहरण में देखोगे, तो इसमें है तुमको, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि तुमको विलेय जो तुमको है, विलेय NaOH है और उसका 5% है, तो उसका दिया हुआ है तुमको 5% विलेय है तुमको, 5 ग्राम है तुमको, अगर 5 ग्राम तुमको विलेय है जो कि तुमको 5 ग्राम विलेय, तो विलेय तुम्हारा कौन है NaOH, तो NaOH का अनुभार निकाल लेते हैं। NaOH का अनुभार बराबर 23 जोड़ 16 जोड़ 1, दैट इज इक्वल टू 40, और विलेय का मोलों की संख्या 5 ग्राम में, 5 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बराबर 5 बटे अनुभार हो गया 40,
दैट्स इक्वल टू 1/8 0.125। अब बिलियन की मोलरता लीटर में देंगे, बिलियन को वहीं पे 450 होगा उसका, ml दिया हुआ है, तो मोलरता बराबर NaOH की मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन कौन मात्रक में, लीटर में, तो 0.125 है बाय 450 ml है, तो 450 गुना 1000 हो गया, ये 450 गुना 1000 हो गया, तो 0.45, तो 0.125 बाय 0.450, 0.125 बाय 0.450, ये हो गया 125 बटे 450, 125 तो 25 बाय 90, 25 बाय 90 5 बाय 18, तो 5 बाय 18, तो 0.29 के आसपास लिया जाए, 0.28, ये तो कुछ तुम्हारा हो गया इसका मोलरता हो गया, इसका कैपिटल एम सिंबल देते हैं मोलरता का, तो ये तुम्हारा हो गया, ये मोलरता हो गया। अब है तुमको मोललता एक यूनिट है, और कभी भी एक चीज ध्यान रखोगे तो मोल की संख्या बराबर क्या हो जाता है, मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया, मोलरता गुना आयतन, मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया, मोलरता गुना आयतन लीटर में, ये भी ध्यान रखोगे काफी यूज में आता है, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी हो तो मोलरता गुना बिलियन का आयतन। तो इससे जो प्रश्न है तुम कभी भी बना सकते हो, किसी भी उदाहरण बना लोगे, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तुमको जहां भी दिक्कत होगा तो कभी भी राइटफुल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, जिसमें तुमको कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा हो, कोई भी इसमें बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में भी है, पाठनहित भी है, काफी क्वेश्चन भी हैं, जहाँ पर दिक्कत होता है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो राइटफुल ऐप के माध्यम से। तो जो सातवां तुम्हारा है मोल ललता, मोलेलिटी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की घुले मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, केजी में। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो तुम्हारा जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का उदाहरण एक 2.3 है, इसमें दिया हुआ 2.3 ग्राम एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH का अनुभार निकाल लेते हैं, तो कार्बन का 12 हो गया, 1 × 3 × 12 × 16 × 16 × 1, तो ये शायद 60 आ जाएगा, और इसका कितना है मोल की संख्या, इसका क्या हो जाएगा, दिया हुआ है इसका 2.5 ग्राम CH3COOH में मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तुमको द्रव्यमान हो गया 2.5 ग्राम बटे 60 ग्राम अनुभार हो गया 60 ग्राम, तो 2.5 बाय 60, तो हो गया तुमको 2.5 बाय 60, तो 600 हो गया, 25 और 600 को काटेंगे तो 1 बाय 24 हो गया मोल की संख्या, और विलायक का द्रव्यमान है 75 ग्राम, बेंजीन विलायक का द्रव्यमान, बेंजीन
विलायक का द्रव्यमान बराबर 75 ग्राम बराबर 75 बटे 1000 किलोग्राम 75 बटे 1000 केजी दैट्स इक्वल टू 3/40 केजी। तो मोललता मोललता एम बराबर सी एस थ्री सी ओ एच के मोलों की संख्या बटे बेंजीन का द्रव्यमान सी एस थ्री सी ओ ओ एच के मोलों की संख्या बटे सी सिक्स एच सिक्स बेंजीन का द्रव्यमान केजी में। तो ये निकल गया तुमको कितना निकल गया है 1/24 आया है इसका 1/24 ये मोल आ गया है 1/24 मोल। और तुमको आ गया है इसका आ गया है तुमको मतलब कि जो 75 बटे दैट इज इसका 75 का 3 आ गया यहाँ पर और 75 3 और ऊपर चला गया 40 3 और ऊपर 40 चला गया तुम्हारा से 40 ऊपर हो गया 40 और 24 कटेगा तो 40 10 और इधर 6 10 और 6 6 गुना 3 18 हो गया 10/18 5/9 तो 0.5 और फिर 5 m स्मॉल m से इसको डिनोट करते मोललता को स्मॉल m। खाली कैलकुलेशन देख लोगे कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत शायद इधर उधर हो भी ठीक ही होगा 1/24 हो गया क्या इसका मोल की संख्या 5 तुम्हारा 2.5/60 1/24 ठीक ही है। और उसके बाद आ गया तुमको 475/1000 हो गया तुमको 75 3 तो 3 से 25 से कटा 3/40 हो गया हाँ 3/40 तो 40 ऊपर चला गया 3 नीचे रह गया तो ठीक ही होगा 40/72 हो गया 40/72 तो 5/9 तो 9/45 फिर 5.5 लगता ठीक ही होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया इसका जो तुमको तुम मोल अंश ही सब निकाल दिए। अब तुम लोग को जो भी तुमको इसके बाद जो पाठनिहित प्रश्न दिया हुआ है उसको भी बनाओगे एक्सरसाइज में भी इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिस क्वेश्चन में भी तुमको दिक्कत होता है राइटर ऐप के माध्यम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तुमको राइटर ऐप पर तुम्हें उसका समाधान मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो या तुमको नोट्स भी उसमें लिखना चाहो तो तुमको नोट्स भी सारे मिल जाएंगे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो तुमको नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर सारे तुमको उपलब्ध होंगे सारे चैप्टर्स के क्लास 11 12 सबों के जेई मेंस जेई एडवांस नीट इन सबों की तैयारी करना चाहते हो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में नोट्स उपलब्ध हैं तुम किसी भी प्रकार से तुम तैयारी भी मेडिकल करना चाहते हो उसके लिए तुम इस ऐप पर काम मदद ले सकते हो। तो इसी तरह से लेक्चर को सॉफ्ट करना है।